अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी आज की नशस्त का हम आगाज़ करते हैं। मेरी मेहमान ने भी मुझे ज्वाइन किया है। मैं नायाब गौहर को अपनी आज की गुफ्तगू में खुशामदीद कहती हूँ। नायाब के पास जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ जितने हमारे देखने वाले हैं, उनको प्रोग्राम के हवाले से, इसके मकसद के हवाले से और हमारे प्लेटफॉर्म के हवाले से। जैसा कि बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि वुमेन वॉइस पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में किसी भी शोबे में जहाँ खवातीन काम करती हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी अचीवमेंट्स हैं, और साथ में उनकी उनको जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिन इश्यूज का सामना करना पड़ता है, उसको हाईलाइट करने के लिए हमने वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का जो बेसिकली क्याम हम अमल में लेके आए हैं, एक ये मकसद है। दूसरा इसका बुनियादी मकसद है वो ये भी है कि नॉर्मली शायद आज भी हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ख्वातीन बहुत सारे इदारों में या तो मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद है तो वो वहाँ पे शायद उस तरह से अपना काम नहीं कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ चैलेंजेस और वो भी सामने नहीं आते कि चलें ख्वातीन तो काम कर रही हैं बहुत सारे शोबों में, वो आ जाती हैं मुश्किलात के बावजूद भी, लेकिन उनकी बहुत सारे मसाइल का भी उनको सामना करना होता है। हमारे प्लेटफॉर्म का ये भी मकसद होता है कि हम जब मुख्तलिफ शोबों से ख्वातीन को एंगेज करते हैं तो मकसद ये भी होता है कि एक तो इनकी इशूज़ हाईलाइट किए जाएँ, और जब हम इश्यूज हाईलाइट करने की बात करते हैं तो सिर्फ हाईलाइट नहीं करते, हम ये भी चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इदारे हैं, जो फिर इन्हीं इश्यूज पे खवातीन के साथ काम करते हैं, उनकी नज़र में भी ये इश्यूज आए, उनके नोटिस में आए, और फिर जब इस मुल्क में पॉलिसीज बनती हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, तो फिर उन चैलेंजेस को भी सामने देखते हुए सोल्यूशन और प्रोग्राम जो है वो लाए जाए। जहाँ तक आज के प्रोग्राम की नोयत है तो वो बड़ी एक अहम मौजू है जिस पे अक्सर बात होती भी है और अक्सर होती भी नहीं है, और उसकी अपनी अहमियत इसलिए है कि हम पूरे पाकिस्तान में जब खातून एक औरत की इमेज की बात करते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इनफरादी तौर पर हमारे रवैये हैं, हमारा घर है, हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ से एक इमेज बनता है, और वो इमेज ये बनता है कि हमारे माशरे में औरत क्या है, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, और ये मैसेजेस समटाइम लाशूरी तौर पर ये इमेज हमारा बन रहा होता है, तो जो इमेज बन रहा होता है उसके मुताबिक फिर हमारे रोल भी तय होते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो हमारे माशरे में आज भी खवातीन से बहुत सारे रोल जो हैं वो एक्सपेक्ट नहीं किए जाते उनको, या बहुत सारे रोल्स में उनको दूर रखा जाता है या एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि अब वो औरतें उस रोल में आई। फॉर एग्जाम्पल, उसमें ऐसी खातून जो कि अपना कारोबार रन कर सकती है, जो दफ्तर जा सकती है, जो कि लीडर बन सकती है, जो एक पॉलिटिकल लीडर बन सकती है, एक सोशल लीडर बन सकती है, एक कामयाब खातून बन सकती है। सो ये इमेजेस जब हम बात करते हैं कि कहाँ से बन के आते हैं, तो एक बहुत अहम इंस्टीट्यूशन जो है वो मीडिया है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कि वहाँ से ये इमेज काफ़ी ताकतवर तरीके से बन के आता है। वो ड्रामों में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, बहुत सारी इवन जिस नोयत की खबरें खवातीन के बारे में मीडिया के थ्रू आ जाती हैं, इन सारी चीज़ों से एक कलेक्टिव इमेज बनता है खातून का। अब ये है कि उस पर हम नायाब के साथ बात करेंगे कि वो इमेज जो बनाया जा रहा है क्या वो इमेज काफ़ी है, या वो इमेज काबिल कबूल है नायाब जैसी ख्वातीन को, मेरी जैसी ख्वातीन को जो माशरे में काम करती हैं, अपना एक नाम बनवाना चाहती है, अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो रखती हैं और उस पर कहती कि जी हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारे इशूज, और हम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, हमारे इशूज क्या हैं, तो क्या वो इमेज मीडिया रिप्रेजेंट करता है, और अगर नहीं करता तो उस पर क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं, मुमकिनात क्या हैं। नायाब जी एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक मीडिया एक्टिविस्ट भी हम कह सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बोलती हैं, आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं उस पे भी वो हमेशा बोलती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे इशूज जो चाहे ख्वातीन के रिलेटेड हो, बर्दाश्त के रिलेटेड हो, बहुत सारे और जो हमारे सोशल इशूज हैं उस पे आपको नायाब जी हर वक्त सरगर्म नजर आएंगे, वो अपना ओपिनियन देती हैं। साथ में वो एक इदारे के साथ भी काम करती हैं, CSS जो इदारा है, कम्युनिटी सपोर्ट कंसर्न जो प्रोग्राम है उनके साथ वो काम करती हैं, जो कि माइक्रो फाइनेंस पे काम करता है, और माइक्रो फाइनेंस जाहिर है पे लोगों को अपने
پاؤں پہ معاشی طور پر کھڑا کرنے کے لیے ایک ادارہ کام کرتے ہیں تو یہ ان کا یہ بھی ایکسپیرینس اچھا ہے کہ معاشی ترقی خواتین کے لیے بیسکلی بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن آج ہم نے نایاب جی کو جو وہ کیا ہے وہ ان کی جو میڈیا ایکٹیوسٹ کے حوالے سے کہ وہ ٹی وی پہ اکثر بھی نظر آتی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہیں, تو یہ ان کا ایک ایسا ہے کہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے اور میرے میں سمجھتی ہوں ان کا جو اوپینین اس حوالے سے بہت سارے اور لوگوں کو اس ایشو کو سمجھنے میں بہت زیادہ موقع دے گا, اور ہم بھی اس ایشو کو سمجھیں گے کہ اس میں بہتری کہاں پہ آ سکتی ہے اور مسائل اس میں کہاں پہ ہیں. تو میں یہیں پہ بس اینڈ کروں گی اور میں نایاب جی کے پاس جاؤں گی. سب سے پہلے ون سیکنڈ آپ کو دوبارہ خوش آمدید میں کہتی ہوں, اور نایاب جی اگر آپ کے انٹروڈکشن میں ہمیں کوئی چیزیں مس کی ہو تو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں, پھر ہم موضوع کی طرف آئیں اور بات کریں. نہیں نہیں, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا. انٹروڈکشن آپ نے جتنی دی ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے, اس سے زیادہ میرے خیال میں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہم سب لوگ جتنا کام کر سکتے ہیں معاشرے میں ان چیزوں کے لیے اتنا کر رہے ہیں, تو آئی تھنک ایکٹیوسٹ کہنا ہی کافی ہے. اور ابھی بہت ساری چیزیں آئی تھنک کرنے والی, تو جب تک وہ کر نہ لیں تب تک اتنا کافی ہے. اچھا نایاب جی, آپ کی آواز درمیان میں تھوڑی سی وہ کر رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ آپ کی جو باتیں بڑی اہم ہیں وہ سنیں. تو میں ایک دفعہ دوبارہ, اب آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے, اب ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک, اچھا جی نایاب جی, ہم اب آتے ہیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے جو بہت اہم ہے. سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں آپ کا اوپینین, جو ہم نے آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کے بارے میں آپ کا اپنا اوپینین ہے کیا, آپ کے اپنے خیالات اس کے بارے میں کیا ہیں؟ جی, میرے خیال میں جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دو تین چیزوں سے آغاز کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ میڈیا کے اندر جو خواتین کا رول ہوگا, جو پورٹریل ہوگا, جو ریپرزینٹیشن ہوگی, وہ بہت اہم ہے. کیونکہ ہسٹوریکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیا پہلے بھی لیکن آج کل اور بھی زیادہ میڈیا ایک بہت ہی بہت بڑا انفلوئنسر ہے, اس پہ لوگوں کا بہت وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے, لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے. تو کوئی بھی جو مارجنلائز گروپس ہیں, خواہ وہ خواتین ہوں, خواجہ سرا ہوں, ریلیجس مائنورٹیز ہوں, غریب طبقے کے لوگ ہوں, ان کا میڈیا کے اوپر آنا, ان کے مسائل کے بارے میں بات کرنا اور ان کی خود کی ریپرزینٹیشن ہونا, یعنی کہ کوئی اور بھی ان کے مسائل کے بارے میں بات نہ کرے, ان کا خود وہاں پر ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو پہلی چیز تو ہمیں یہ تسلیم کرنی ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ کس طرح سے خواتین کو کا کیا رول ہے میڈیا کے اندر. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ واٹ ٹائپ آف میڈیا, یعنی کہ یہاں پر اب ہم سیگریگیٹ کر سکتے ہیں مختلف میڈیا کے اندر. دو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دو جو بڑے میرے خیال میں ٹائپس آف میڈیا ہیں وہ ایک نیوز میڈیا ہے اور ایک انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیوز میڈیا کے اندر اور الیکٹرانک میڈیا دونوں کے اندر خواتین کی پارٹیسپیشن بہت بڑھ چکی ہے. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو انٹرٹینمنٹ نیوز میڈیا کے اندر بھی بہت ساری اینکر پرسنز بھی خواتین ہیں, بہت ساری جو ہے وہ نیوز ریڈرز بھی خواتین ہیں, انالسٹ بھی خواتین ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح انٹرٹینمنٹ میڈیا کے اندر بھی خواتین کی پارٹیسپیشن بہت ہے, لیکن ان دونوں چیزوں کے اندر جو خواتین کے ایشوز کو جس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے وہ میرا اس سے مجھے پرابلم ہے سب سے زیادہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم نیوز میڈیا کی طرف دیکھیں تو بہت ہمارے پاس بڑے نام ہیں جو خواتین ہیں, آسمہ شرازی ہیں, ماریا میمن ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اور میں بہت لک اپ ٹو کرتی ہوں ان کو. انہوں نے بہت زیادہ بیریئرز توڑ کر وہ ایک ایسی انڈسٹری میں آئیں جو ہسٹوریکلی میل ڈومینیٹڈ ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو نیوز میڈیا کا جس طرح سے وہ سیٹ ہو چکا ہے, وہاں پر خواتین کے ایشوز کے لیے بہت کم اسپیس ہے. ایون جب خواتین اینکرز بھی ہوتی ہیں تو خواتین کے, یعنی کہ زیادہ تر اگر آپ ریٹنگس کو دیکھیں تو جو شوز سب سے زیادہ جن کی ریٹنگس ہوتی ہے وہ پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں, جو شام کے پرائم ٹائم شوز ہوتے ہیں, یا پھر جو تھوڑی بہت ریپرزینٹیشن خواتین کے ایشوز کی ہوتی بھی ہے وہ مارننگ شوز کے اندر ہوتی ہے. اور مارننگ شوز کے اندر جس طرح سے ان ایشوز کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے وہ میرے خیال میں اتنا آئیڈیل نہیں ہے.
बहुत सारे ऐसे नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं जो रीइंफोर्स होते हैं, और इस पर हम इन डिटेल हम बात कर सकते हैं. अभी मैं सिर्फ मुख्तलिफ मीडिया की का थोड़ी सी समरी दे. अगर हम न्यूज़ मीडिया से हटें और हम एंटरटेनमेंट मीडिया की तरफ आए तो वहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी है. हमें हमेशा जब भी किसी की रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, ख़ास तौर पे किसी अगर मार्जिनलाइज तबके की रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, तो हमें कॉस्ट बेनिफिट यानी एक स्टेप आगे दो स्टेप पीछे ऐसे देखना चाहिए. तो ये ज़रूर हम आगे इस सेंस में ज़रूर गए हैं कि ख़वातीन की तादाद बड़ी है एंटरटेनमेंट मीडिया में. हमारे पास ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो सुपरस्टार्स हैं, हमारे पास ऐसी यू नो ड्रामास के अंदर काम करने वाली ऐसी ख्वातीन हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और उन्होंने बड़े बैरियर्स तोड़े हैं बिल्कुल न्यूज़ मीडिया की तरह. सो उनका वहाँ होना एक सॉर्ट ऑफ जीत है, एक विक्ट्री है. लेकिन वंस अगेन उनके होने से वहाँ पर अचीव क्या हो रहा है, ख्वातीन की रिप्रेजेंटेशन इशूज़ क्या उठाए जा रहे हैं? और मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर हम अपने ड्रामा सीरियल्स की बात करें तो इंतहाई मायूसकुन इस वक्त है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है ख़वातीन के इश्यूज़ का. क्योंकि ज़्यादातर जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत दफ़ा मैं इस पर बात कर चुकी हूँ, नंबर वन मैं और आप यानी कि वर्किंग वुमेन हम तो हैं ही नहीं उसके अंदर. तो बेसिकली जो ख़वातीन आती हैं अब तकरीबन 24-25% ख़वातीन हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इकॉनमी के अंदर काम करती हैं. इसमें हमारी अर्बन यानी के मैन्युफैक्चरिंग भी है, कॉरपोरेट भी है, लेकिन फिर एग्रीकल्चर के अंदर ख़वातीन का इतना रोल है, हमेशा से रहा है. कहीं पर हमें ये वाली चीज़ें वर्किंग वुमेन हमें नज़र नहीं आती. इनफैक्ट वर्किंग वुमेन को या एम्बिशियस ख़वातीन को हमेशा एक नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है. दूसरी बात यह है कि जो इश्यूज हैं वो अभी तक से घरेलू मसाइल से आगे निकले नहीं हैं. और यू नो बड़ी दफ़ा ये यानी कि एक्सक्यूज़ ये दिया जाता है कि जी जो डिमांड होगी उसी की सप्लाई होगी. लेकिन हमने अब ये आर्ग्यूमेंट आई एम नॉट बाइंग इट एनी मोर. क्योंकि अगर आप देखें, आप उडारी जैसे ड्रामे देखें, ठीक है ना, आप और सबा कमर के जो ड्रामे थे, बागी, चीख, थिंग्स लाइक, अब आप चुड़ैल्स को देखें, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा वेल रिसीव होती हैं. और एक मकसद ही मीडिया का ये होता है कि थोड़ी सी बाउंड्रीज को पुश किया जाए. ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों के कंफर्ट जोन के अंदर जो चीज़ें वही दिखाई जाएं. मतलब आप मुझे कोई एक ड्रामा निकाल के दिखाएं जो किसी किस्म की कोई हार्ड हिटिंग टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है ख़वातीन के हवाले से. और सबसे इसमें अफसोसनाक बात यह है कि उनकी व्यूअरशिप मेजॉरिटी ख़वातीन की है. यानी कि अगर वो चाहें तो वो बहुत सारी ऐसी बातों पे यू नो इनिशिएट कर सकते हैं गुफ्तगू. डोमेस्टिक वायलेंस पे बात हो सकती है, चाइल्ड मैरिज पे बात हो सकती है, रेप और ऑनर किलिंग पे बात हो सकती है. लेकिन इतनी बैकवर्ड तरीके से इन चीज़ों को दिखाया जाता है कि नॉन सीरियसली जो है वो कोई भी किसी खातून को थप्पड़ लगा रहा है, वायलेंस को इतनी कैजुअली ट्रीट किया जाता है, शादियों को इतने रिग्रेसिव तरीके से दिखाया जाता है. तो आई थिंक ओवरऑल काफ़ी मायूसकुन है फिलहाल. बिल्कुल, थैंक यू नायाब. आपका बहुत आपने जो आपका अभी इंसाइट आपने शेयर किया है वो तो ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया. इसको अभी हम खोलेंगे दरमियान दरमियान से कि ये सब जानते भी हैं, ये रियलिटी भी है, और आप जैसे लोग इस पे बात भी हमेशा करते आए हैं. जहाँ तक आपने ख़वातीन की बात की तो बिल्कुल हमारे चाहे न्यूज़ मीडिया है चाहे हमारा एंटरटेनमेंट मीडिया है, वहाँ पे भी ख़वातीन को अपनी जगह बनाने में काफ़ी टाइम भी लगा है और अभी भी बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना है जिसका हमें अंदाज़ा भी है. और यही हमारी बदकिस्मती है कि ये सिर्फ मीडिया नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारे शोबों में अभी ख़वातीन अभी अपनी जगह बना रही है, जो कि एक तरह से अफसोस की भी बात है कि एक तरफ हम इक्विटी की बात करते हैं, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, और एक जगह पे ये कि ख्वातीन अभी भी बहुत जो आपके अहम इदारे हैं, अहम शोबे हैं, वहाँ पे ख्वातीन अभी अपनी जगह बड़ी मुश्किल से बना रही है. तो उसका हमें अंदाज़ा भी है और हमें इन तमाम ख्वातीन पे फख्र भी है कि वो कैसे इन मुश्किलात का सामना भी कर रही हैं लेकिन अपनी जगह भी बना रही हैं और स्ट्रेंथ भी अपनी जो है वो मैक्सिमाइज कर रही हैं. लेकिन ओवरऑल जिस तरह हमने पहले बात की कि अगर मैं बात करूं कि वो जगह के जहाँ पे हमारे इलिटरेसी होती है, जहाँ पे लोग अखबार नहीं पढ़ते, जहाँ पे जो कोई और मीडियम नहीं है एक्सेस का, वहाँ पे ड्रामा
और जो टीवी है ये एक बहुत अहम वो है, मीडियम है कि जो वहाँ पे पहुँचता है। तो मैं कहती हूँ कि उसका फिर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वाकई होता है, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। और जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम इसकी अहमियत दे रहे होते हैं, हम मीडिया को अहमियत देते हैं, तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपकी बातें जो है, सवाल मेरा यही है कि इतने अरसे से आप भी बात कर रही हैं, मैं भी बात कर रही हूँ, मीडिया अपना ये रवैया बदल क्यों नहीं रहा है? फॉर एग्जाम्पल, वो वही रिवायती अंदाज में औरत को क्यों पेश कर रहा है? क्या माशरे में भी डिमांड उसी रिवायती औरत का है कि अगर वो एक कामयाब औरत का, एक वो औरत जो अपने पाँव पे खड़ी है, जो पढ़ी लिखी है, जो बाएतमाद है, अगर वो औरत नहीं दिखाएगी तो क्या इसकी रेटिंग में कमी आएगी, इसके जाहिर इनकम में कमी आएगी? इसलिए वो वही पुराने रिवायती औरत की सोच को आज तक लेके चल रहा है। रीजंस क्या है उस मीडिया के ना बदलने का? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस पर मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू भी की है। यहाँ पर भी मैं चाहूँगी कि हम इसको सेग्रीगेट करें, न्यूज़ मीडिया और एंटरटेनमेंट मीडिया में। सो बेसिकली अगर हम न्यूज़ मीडिया की तरफ जाएं तो ये बात सच है कि जनरली जो प्राइम टाइम शोज़ होते हैं उनको रेटिंग तभी ज़्यादा आती है, मतलब जब वो पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात करें और सोशल इश्यूज जो है उस पर इसी वजह से कहा ये जाता है कि वो कम बात करें। अब अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो रेटिंग्स वाला सिस्टम है, एक तो न्यूज़ चैनल्स का ख़ास तौर पे, वो मुझे नहीं पता किस हद तक रिलायबल है, क्योंकि हमारी एक दो ही बड़ी कंपनीज हैं जो रेटिंग्स के सिस्टम को चलाती हैं। आई डोंट नो क्या वो क्या यूज़ करती हैं, यू नो, टेक्निकली असेस करने के लिए कि किस तरह से होता है। बट लेट्स सपोज के अगर ये मान भी लिया जाए कि रेटिंग्स का मामला है या व्हाटएवर, ठीक है। अब मैं ये समझती हूँ कि आप कम से कम एक घंटे के शो के अंदर एक सेगमेंट तो दे सकते हैं ना खवातीन को, यानी कि ये बात आ जाती है आपकी प्रायोरिटीज के ऊपर। आप अगर ये नहीं चाहते कि आप अभी फुल फ्लेज एक शो करना चाहते हैं खवातीन के मसाइल पर या सोशल इश्यूज पर या व्हाटएवर, ठीक है। और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी एक दो चीजें। मुनीबा मजारी साहिबा का शो था हम नहीं आप, हम न्यूज के ऊपर, बहुत अच्छा शो था, उसके यूट्यूब पे भी बहुत व्यूज आते थे, जिसमें वो वुमेन्स इश्यूज के बारे में बात करती थी, ठीक है। वो खुद भी एक बड़ी पर्सनैलिटी है, आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप था जो उस नेटवर्क ने लिया। लेकिन अफसोस ये है कि इस तरह के कम शोज नजर आते हैं। तो पहली बात ये कि इन बड़े शोज के अंदर क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चले फुल फ्लेज शो नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दो दफा कोई सेगमेंट्स हो जाएं खवातीन के इश्यूज पे, ठीक है। और ये सेगमेंट सिर्फ वो सनसनीखेज खबर ना हो कि लाहौर में एक मर्द ने अपनी बीवी का गला काट दिया, जिसका कोई किसी को फायदा नहीं होता इस चीज से, यानी इसके पीछे एनालिसिस हो, गुफ्तगू हो, इसका इसको प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा होलिस्टिक हो, उसमें स्टेक होल्डर से बात की जाए, एक तो ये बात है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल देखें जियो के ऊपर इस तरह के बहुत रिपोर्ट कार्ड जैसा एक शो जो कि एक हाईली रेटेड शो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज इन पाकिस्तान, उसके अंदर सबसे ज्यादा हमारे बड़े पॉपुलर एनालिस्ट भी आते हैं उसके अंदर, और वो कभी ये करते भी हैं, उनमें गुंजाइश है एक एक सवाल हफ्ते में दो, एक दो दफा ऐसा कोई सवाल कर देना, ऐसा कोई सेगमेंट कर देना जो खवातीन के मसाइल के ऊपर है। और आई एम श्योर कि जितनी उनकी व्यूअरशिप है, जितनी उनकी रेटिंग है, वो इस तरह एक आध सेगमेंट बीच में डालने से गिरेगी नहीं। द सेकेंड थिंग इज अबाउट, हमें एनालाइज करना है प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, और प्रोडक्शन जो अभी तक से एक दो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के अलावा जो कि मोस्टली हम न्यूज़ से एफिलिएटेड हैं, बाकी जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड हैं, और वहाँ पर यही वहाँ पर अहमियत नहीं दी जाती कि ख़वातीन के इश्यूज को इस तरह से उठाया जाए, एक मीनिंगफुल और माइंडफुल तरीके से उठाया जाए। सो हमें ऑन बैक ऑफ द माइंड कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कौन प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या मकासद हैं, क्या मकसद सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल सक्सेस है, या साथ साथ आपका मकसद ये भी है कि आप कभी कोई रिस्क लें, आप कोई बाउंड्री पुश करें, ये सारे सवाल हमें करने की जरूरत है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस है जो कि थोड़ा सा
यानी फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है एक्सपेरिमेंटेशन करना. अगर उसके तीन शोज ऐसे हैं जो सास बहू के ड्रामे दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, तो वो एक शो ऐसा कर सकते हैं जो शायद इतना ज्यादा मुनाफा ना कमाए लेकिन कम से कम उसका कोई फायदा हो माशरे को. सो आई थिंक हमें ये सवाल उठाने की जरूरत है कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कमर्शियल वायबिलिटी होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस कमर्शियल स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसके थ्रू हम ख़वातीन के इश्यूज़ को कम से कम थोड़ी सी तो स्पेस खोलें ना. यानी ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात वही जो मैंने पहले कही कि अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये चीज़ nobody is buying this narrative के डिमांड नहीं है. क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि एक जो नई जनरेशन है पाकिस्तानियों की जो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा वोकल है, वो चाहते हैं नया कंटेंट देखना, वो चाहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट देखना. अगर आप देखें कि चुड़ैल्स को कितनी हाइप मिली है, अगर आप नेटफ्लिक्स को देखें पाकिस्तान में वो कितना पॉपुलर है, कितने ज़्यादा लोग देखते हैं, और उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो जनरली आपके लोग शायद ये कहें कि बड़ा मुतनाज़े है या इस तरह करके है, लेकिन अब यानी 18 से 30-35 साल की ये जो एक यूथ का एक ग्रुप है, they want to watch this content. और मुझे लगता है कि अभी mainstream media के ऊपर उनके लिए कुछ भी नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल नायाब, आपने जो मसले उठाए हैं, आपने सजेशंस की भी बात की है, और सजेशन में जो आपकी जो बात में ज्यादा जहाँ पे मतलब वो क्लिक करती है वो ये है कि मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विलिंगनेस की भी कमी है. क्योंकि समटाइम ये होता है ना कि वो एक माइंडसेट जो क्रिएट हो चुका होता है, बहुत आसान होता है उसके साथ ही चलना. क्योंकि आप उस माइंडसेट से निकलते हैं तो आपको शायद पता नहीं, आपके सबकॉन्शियस में कहीं शायद ये चीज़ होती है कि ये पसंद नहीं किया जाएगा. हालांकि आपने अभी कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो वेब सीरीज या जो मतलब ज़ाती तौर पर जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें बड़ी वैरायटी आ रही है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं. और जहाँ तक हम इमेज की बात करते हैं, थोड़ा सा हम इस पे भी कि हम किस तरह के इमेज का मतलब हम क्या चाहते हैं, हम औरतें क्या चाहती हैं इस मीडिया से कि किस तरह का इमेज दें, तो ज़रा उस पर भी बात करते हैं. क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब हम मीडिया के इमेज की बात करते हैं तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कहते कि जो मतलब हट कर हो हमारी सोसाइटी से, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अगर आप औरत को हमेशा एक कमज़ोर, मार खाने वाली, हर बार रोने वाली और घर में साजिशें करने वाली, और मर्द जो है वो दफ्तरों में जाता है सुबह सवेरे शाम आता है, और वो खातून जो थे पूरा दिन वो जो है वो सास बहू और वो उसके प्लानिंग में गुजारती है और ये सारी लड़ाइयाँ करती हैं, तो वो एक इमेज. और दूसरा ये कि मुख्तलिफ ड्रामों के जो नाम हैं वो नाम ऐसे है कि वही जो हमारा एक पुराना है कि औरत को हम बताते हैं कि आपने हर चीज़ पे आपने ये कहना है कि ठीक है, मतलब आपका घर का मसला है अगर डोमेस्टिक वायलेंस है या जिस तरह की भी चीज़ें हैं, या कुछ ड्रामे ऐसे बने हैं कि जिसमें जिन मौजूदात पे अगर गए भी हैं तो वो उस तरह की से दिखाई गई हैं कि औरत को ही बुरा जो है वो जाहिर करने की कोशिश की गई है. तो उसमें हम कहते हैं कि ओवरऑल माशरे में जब हम जेंडर रोल्स की बात करते हैं, ये सोच बदलने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये घर से आगाज होता है. अगर हम ड्रामे में भी ये दिखाते हैं कि औरत सारा दिन खाना पकाती है, घर में रहती है, और मर्द वो बाहर का, तो वही वो इमेज आम सोसाइटी में फिर आपको और मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करते. जब हम कहते हैं कि जी हम काम करने वाली ख्वातीन हैं, हम सियासत में आना चाहती हैं, हम लीडर बनना चाहती हैं, हम वोट देना चाहती हैं, तो जो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रूरल एरियाज हैं, अगर मैं रिमोट एरियाज की बात करूँ, वो तो इससे जो इंस्पिरेशन लेते हैं वो इंस्पिरेशन फिर वो उससे लेंगे. अच्छा, दूसरा इसके पर जो एक एक्सट्रीम रोल भी दिखाते हैं कि जब आप औरत का ये किरदार इस तरह से दिखाते हैं ना कि अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी या मॉडर्न होती है तो उसके वो जो साइड इफेक्ट्स आप दिखाते हैं, फिर वो लोग अपनी बच्ची को पढ़ाने से भी डर जाते हैं. वो कहते हैं अच्छा अगर हम अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कहेंगे तो फिर वो ये करेगी. सो इसमें अगर मैं यही बात के हम चाहते हैं, हम यही है, हम इसी इमेज की बात करते हैं कि आप ये इमेज दिखाएं. और पाकिस्तान में बहुत सारी ख्वातीन हैं जिनकी स्टोरीज आती हैं, कम है लेकिन आती हैं, कि कोई खातून इन सारी मुश्किलात के बावजूद कभी CSS टॉप कर लेती है, कभी किसी इदारे की हेड बन जाती है, कभी वो आपके मुल्क का नाम किसी खेल में आप पूरी दुनिया में वो करती है, रोशन करती है, कभी वो अभी जो पिछले दिन नरगस की बात है वो किसी बहुत बड़े एक साइंस के इंस्टीट्यूशन का हेड बन जाती है.
उस औरत को अगर हम यहाँ पे नहीं दिखाते तो उसका मतलब ये है कि हम जो सामने बहुत बड़ी रियलिटी है हम उसे इनकार करते हैं, और आपने उसकी भी बात की। सो ये सारी चीजें मिलके इसका इम्पैक्ट जो हमने भी थोड़ा भी बहुत मैंने भी किया है, आप मुझे बताएं ना आपकी, जब ये सब कुछ हो रहा है तो माशरे में आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है कि आपको माशरे में इम्पैक्ट इसका क्या नजर आ रहा है, मर्दों के जहन में क्या बन रहा है, बच्चों के जहन में क्या बन रहा है, और औरतों का आज तक जो इमेज ओवरऑल बना है वो क्या बना है आज तक। अच्छा, पहले तो जो आपने बात की कि इमेज कैसा दिखाया जाना चाहिए, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि असल बात यह है बदलता कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। यानी कि आप देखें कि जो अर्बन खवातीन हैं उन और जो प्रिविलेज तबके की खवातीन हैं उनके मसाइल फ़र्क हैं, उनका अलग है। इमेज फ़र्क होगा। जब आपने रूरल की बात की, आपने और उनकी, तो उसको पोर्ट्रे करने में जाहिर है हमें उनकी सेंसिबिलिटीज़ और उनके जो नॉर्म्स वगैरह हैं उनको जहन में रखना है। मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि ज़्यादा अगर यानी 100% है तो उसमें से मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि ज़्यादा शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन गरीब तबके की खवातीन की रिप्रेजेंटेशन का होना चाहिए, और जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जो रूरल एरियाज के अंदर हैं, और फिर उसके साथ एक दो हर तरह का कंटेंट। देखिए, जब आप, ये बड़ी नेचुरल सी बात है, जब आप प्रिविलेज खवातीन या जो थोड़ी सी आज़ाद ख्याल खवातीन हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे या उनको दिखाएंगे ड्रामों में, तो जाहिर है लोग उस पर एतराज़ करेंगे, बट दैट्स फाइन। बाउंड्री पुशिंग होगा, वो उनके लिए इतना रिलेटेबल नहीं होगा, हो सकता है वो उसको मुतनाज़े भी समझे, लेकिन वो किसी की रियलिटी है। और जब आप साथ साथ मतलब और तबकात की खवातीन को दिखाएंगे, वो उनकी रियलिटी है। असल बात यह है कि आपने इसको दिखाना किस तरह से है। इस वक्त जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमें असल में जो ये सोचना है, जो फिर आपका जो सेकंड पार्ट है आपके सवाल का, कि बिल्कुल इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। जब भी किसी कमजोर या अंडर रिप्रेजेंटेड या मार्जिनलाइज तबके को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के सेंसिटिवली सेंसिबली उसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बिल्कुल उसका इम्पैक्ट होना है उन लोगों पर जो उस इंसान की जिंदगी के ऊपर असरअंदाज हैं, जो उस इंसान की जिंदगी के ऊपर फैसला साजी करने का हक रखते हैं। तो जब आप दिखाएंगे कि एक ऐसी खातून है जो जब तालीम हासिल करने गई, तो उसने सिर्फ ये किया कि वहां पर उसने लड़कों के साथ दोस्ती की, या वो खराब हो गई, या खराब माहौल में चली गई, फिर उसकी जिंदगी तबाह हो गई, और साथ एक रूरल एरिया के अंदर बैठ के लोग ये देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अभी जो इम्पैक्ट की जो आपने बात की, अच्छा मैं 2 मिनट के लिए इसमें एक एग्जांपल लाना चाहती हूँ। टीवी एड्स, मैंने बहुत रिसेंटली इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर, इवन हमारे खत्ते के अंदर, अगर आप टीवी चैनल्स के एड्स देखें, तो पाकिस्तान इस वक्त इतना पीछे है। एक बेसिक आपको चीज बताऊंगी, ये पूरी दुनिया में जो अब आम हो चुका है कि जी घर का काम सबका काम, ठीक है, हाँ लेकिन इसके बिल्कुल बावजूद हमारे टीवी एड्स के अंदर अगर घरेलू प्रोडक्ट्स की बात हो तो मर्दों को तो दिखाया नहीं जाता। इनफैक्ट ये जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर और कंजर्वेटिव सोसाइटीज के अंदर, कि जी मर्द जो है वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं देना चाहते, ये समझा जाता है कि सिर्फ खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हाँ फिर यानी कि अभी तक से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि उसका बाप जो है उसको बेबी सेट कर रहा था। नहीं, वो बेबी सेट नहीं कर रहा था, वो अपने बच्चे का हाँ ख्याल रख रहा था। तो बिल्कुल मुझे इतनी हैरत होती है कि पैम्पर्स और डाइपर्स के एड में मर्द हजरात होते ही नहीं कहीं पर। यानी कि आप मुझे ये बताएं कि क्या वो अपने बच्चों के पैम्पर्स और डायपर्स नहीं चेंज कर सकते? यानी उनका कोई किरदार ही नहीं है इसमें, या सिर मतलब मैं बच्चों की खुराक की बात हो, उनकी हाइजीन और हेल्थ से मुतालिक बात हो, तो क्या वहां पर बाप का कोई किरदार नहीं है? तो ये चीजें हैं जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स रीइन्फोर्स करती हैं कि औरत का सिर्फ एक ही किरदार है, वो सिर्फ घर के अंदर है। अच्छा, फिर जब वो एड्स देखें जहां पर ऑफिस लाइफ को दिखाया जाता है, जहां पर दुनियावी मामलात को दिखाया जाता है, जहां पर लीडरशिप को दिखाया जाता है, तो अमूमन हमेशा
ये किरदार मर्द करते हैं, हमेशा मर्द अदा करते हैं। और यही बात है, यानी मैं पिछले दिनों एक कोरोना का एक एड देख रही थी, मुझे इतनी हैरत हुई कि आपके इस लड़ाई में फीमेल डॉक्टर्स ने इतना बड़ा किरदार अदा किया है। और मैं एक ऐड देख रही थी जो आई डोंट रिमेम्बर कि किसका था, लेकिन उसके अंदर सिंपल ये दिखाया जा रहा था कि जो पुलिस अहलकार और जो बाहर डॉक्टर्स और सियासतदान और इस तरह के लोग जो बाहर से उसको संभाल रहे हैं वो सारे मर्द हैं, और जो घर के अंदर संभाल रही हैं, जो यू नो सफाई का ख्याल रख रही हैं, बच्चों का ख्याल रख रही हैं, वो सारी खवातीन। यानी ना कोई डॉक्टर खातून है, ना कोई सियासतदान खातून है, ना कोई पुलिस अहलकार खातून है। इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल के 2020 के अंदर रहते हुए हमारे जो एडवर्टिजमेंट्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा उनकी बैकवर्ड। और जहाँ तक देखें सेंटिमेंट्स हर्ट करने की बात है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान जैसे एक कंजर्वेटिव या पेट्रियार्कल माशरे में ऑब्वियसली बाउंड्री पुशिंग कॉन्टेंट जो थोड़ा सा रेडिकल हो, जो लोगों को थोड़ा सा ऑफेंड करे, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो थोड़ा सा सेंट्रिस्ट किस्म का कॉन्टेंट है, जो कोई नया ख्याल ला सकता है लोगों को ऑफेंड किए बगैर, वो बहुत मुमकिन है उसको करना। अगर आप रिसेंटली देखें शान मसालों ने अपना एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट किया है, जहां पर उन्होंने हमेशा से वो खवातीन को दिखाते थे खाना पकाते हुए, रिसेंटली उन्होंने मेल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं और कोई बैकलैश नहीं आया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। सो आई थिंक बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, और इसका इस वक्त इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव है। लोग, यंग लोग जो ये देखते हैं उनको ये लगता है, छोटी बच्चियां अगर एड्स देख रही हैं और उनको डॉक्टर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, खवातीन नहीं नजर आ रही, तो उस पर उनका क्या, वो हु विल दे एस्पायर टू बी व्हेन दे ग्रो अप। तो हमें जरूर इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा नायाब, आपने जो बात की है, बहुत सारे लोग जब हम बात करते हैं तो मतलब हमें कभी कभी बहुत छोटी सी बातों से भी लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाने की बात करते हैं, अभी आपने एडवर्टाइजमेंट्स की बात की कि उसमें हमेशा जो है वो शान मसालों की आपने मिसाल दी। इसके अलावा अगर हम देखें घरों का जो ड्रामों में सब घर का मंजर दिखाया जाता है, हम ये नहीं कहते कि सारे मर्द खाना पकाना शुरू कर दें और औरतें खाना नहीं बनाएंगी। हम ये कहते हैं कि देखें अभी कोविड आया था, ठीक है, तो बहुत सारे लॉकडाउन का टाइम था, तो लॉकडाउन में ये था कि चूंकि अब नॉर्मली हमारे माशरे में सोच भी इस तरह बनी है कि जिसमें मीडिया जो इमेज बनाता है उसका भी एक ये है कि जब इतने सारे लोग एक घर के अंदर बंद होने लगे, इतने ज्यादा टाइम के लिए होने लगे, तो फिर वही एक्सपेक्टेशन एक खातून पे आई कि वो खाना भी बनाएगी, घर के सारे काम भी करेगी, रिगार्डलेस के अगर वो खातून जॉब कर रही है या अगर वो घर में बच्चियां हैं वो पढ़ रही हैं, तो उनकी, क्योंकि मैं बहुत सारी ख्वातीन के साथ हम बात काम करते हैं, सुनते हैं, आपका भी एक्सपीरियंस है ख्वातीन के साथ, क्योंकि आप जिस इदारे के साथ काम करती हैं मुझे डेफिनेटली अंदाजा है आपका जो जिस तरह का काम है कि आपको डेली बेसिस पे इन इश्यूज के साथ आपको वो है। मेरी बहुत सारी ख्वातीन जो दोस्तें हैं जो जॉब करती थी, वो उन्होंने कोविड के दौरान अपने घर से जो वर्क फ्रॉम होम था वो नहीं वो जारी रख सकी, उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी, क्योंकि वो कहती थी कि अब हम घर में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि अब सारे लोग घर पे रहते हैं। अब यहाँ पे वही वाली रिस्पॉन्सिबल उसकी बात, इमेज की बात आती है कि इस दौरान कितना मीडिया ने इस चीज को हाईलाइट किया कि आपके घर में ये जो काम है ये आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, क्योंकि ये जेंडर रोल्स की जब हम बात करते हैं तो फिर समटाइम ये भी होता है ना कि आपके अगर एक छोटे से आम गांव से भी जो मर्द बाहर जिसका रोटियां बनाने का काम भी हो, तो वो घर पे आके शायद अगर रोटी बनाएगा भी तो शायद लोग बुरा समझेंगे, वो भले उसका बाहर रोटियां बनाने का अपना काम है या खाना पकाने का रेस्टोरेंट है, क्योंकि वो इमेज हमने से बनाया है कि जो घर में मर्द काम करता है शायद वो अच्छा मर्द नहीं होगा या गैरतमंद मर्द नहीं होगा या मतलब वो वाला। सो ये जो इमेजेस है डेफिनेटली इसमें मीडिया का बहुत अहम वो रोल है। दूसरा ये है कि अगर माशरा ओवरऑल बदल रहा है, बहुत सारी तब्दीलियों की कबूल कर भी रहा है, लड़कों के हवाले से आप देख लें कि जब इनकी जिम्मेदार जैसे जैसे माशरा बदल रहा है तो आप देखें इनके किरदार जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, जो चीजें नहीं इवॉल्व हो सकी हैं वो औरत का और लड़कियों का है कि वो हमें नहीं दिखाया जाता। फॉर एग्जाम्पल हमें याद है, हम स्पेसिफिकली तो किसी चीज पे बात नहीं कर सकते लेकिन कुछ चीजों को हम इनडायरेक्टली टच कर सकते हैं कि जब स्पोर्ट्स में
किसी लड़की का वो दिखाया जाता है तो हमारे यहाँ बहुत बुरा समझा जाता है कि जी आप उस वो फौरन या तो वो एड बंद कर दिया जाता है या उस पर पता नहीं कितनी बातें होती हैं। हालांकि स्पोर्ट्स में है, हमारी बहुत सारी गिनी चुनी हमारी बच्चियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, डिस्पाइट इतने बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद जो है वो आ रही हैं। दूसरा ये है कि अच्छा ये बहुत सारी इंस्पिरेशन हमारे यहाँ मौजूद भी है कि अगर हम बात करते हैं कि हम मुसलमान भी है और ये चीज़ें, तो ये मिसालें तो हमारे मजहब के अंदर भी मौजूद है कि हज़रत खदीजा की मिसाल हमारे पास मौजूद है कि वो ताजर खातून थी, अपना बिजनेस रन करती थी। तो अगर आज की मीडिया में हमारा मसला ये कि वो बैलेंस रोल अगर हमें नहीं दिखाया जाता तो वो एक सबसे बड़ा वो इशू है। दूसरा एंटरटेनमेंट की भी हम बात करेंगे नया कि हम ये भी देखते हैं कि औरत को एक इज्जत एक नहीं होता फॉर जस्ट एक एंटरटेनमेंट ही है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उसका आप देखें ना एक्स्ट्रा यूज, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे एड्स होंगे कि जहां पे औरत की जरूरत नहीं होगी वो कंप्लीटली, लेकिन उसको फिर सेल करने के लिए या वो जो कमर्शियल वो है उसमें फिर खातून को वो किया जाता है क्योंकि फिर वही अगेन शायद माइंडसेट ऐसा है जिस इश्तिहार में खातून नजर आती है उसकी शायद ज्यादा डिमांड, तो वो इनएक्सेसिव जो एक्सेसिव एक यूज है उसके हवाले से भी बात हो कि एक जगह तो आप रोल को नहीं चेंज करना चाहते, एक जगह आप जरूरत से ज्यादा जो है वो दिखा रहे हैं, उस रोल पर भी बात करते हैं कि ये कैसा फिर बैलेंस है, ये कैसी फिर सोच है कि जो यहाँ आ जाती है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की और यही इसी का नाम है पेट्रियार्की। जब बिकॉज पेट्रियार्की का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट ये है कि ख्वातीन को दिखाया जो जाता है, जो पोर्ट्रे किया जाता है मीडिया के ऊपर, वो मर्दों की नज़रों के लिए किया जाता है, यानी मेल गेज जिसे हम कहते हैं उसके लिए किया जाता है। ये मेल गेज जो है वो चाहता ये है कि जब ख्वातीन को दिखाया जाए यानी प्रॉपर रोल्स के अंदर जब दिखाया जाए तो वो सहमी हुई, डरी हुई, कमज़ोर, मर्दों पर रिलाय करने वाली, मार खाने वाली, इस तरह की ख्वातीन हो, और जब इनको अननेसेसरी ये जो आपने कहा जिसको हम ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं जो हमेशा से होती आ रही है, तब भी दिखाया जाए मर्दों की नज़रों के लिए और मर्दों की एंटरटेनमेंट के लिए एक अननेसेसरी तरीके से, एक सेक्सुलाइज तरीके से और एक ऐसे तरीके से जो उनकी इज्जत नफ्स को बहुत ठेस पहुंचाता है कि यू नो एट द सेम टाइम, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बैलेंस है कि इवन जब वो कमज़ोर ख्वातीन को भी देखना चाहते हैं या यू नो बहुत ज़्यादा सहमी हुई ख्वातीन को भी देखना चाहते हैं तो वो भी खूबसूरत होनी चाहिए, यानी कि ये एक बहुत ही ज़्यादा चाहे वो ढकी हुई हों यू नो जो उनको एक मॉरल आउटरेज होता है कपड़ों से और लिबास से, बेशक वो ढकी हुई हों या ना ढकी हुई हों वो खूबसूरत होनी चाहिए और वो जिस तरह से मर्दों ने डिफाइन की है वो खूबसूरती वो उनके लिए होनी चाहिए। और यानी कि अगर कोई ऐसा एड है जो किसी और चीज़ के बारे में है वहाँ पर अगर ज़रूरत, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ज़रूरत भी नहीं है, तो इसे यही कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन है, ये ख़वातीन को एक एक्सेसरी की तरह यूज़ करना, और ये बात वहीं पर आ जाती है कि ये मेल ऑडियंस के लिए, और अब हमने फीमेल ऑडियंस ने भी इसको इतना इंटरनलाइज कर लिया है कि हमें ये अजीब नहीं लगता कि जब ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफाई बिला वजह किया जा रहा होता है और यू नो बुनियादी तौर पर उनको मर्दों की नज़र के लिए दिखाया जा रहा होता है बेसिकली। सो आई थिंक ये सारी डिबेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमें इसका एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो है जी कि इसको एक ऐसी फीमेल ऑडियंस के लिए अब दिखाना चाहिए जिसकी डिमांड बढ़ रही है, जो ख़वातीन को डाइवर्स रोल्स में देखना चाहती हैं, जो ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन, आपने स्पोर्ट्स की बात की, आपने ऐसी चीज़ों की बात की, मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि ये बात अब सच है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में ये चेंज आ रहा है। अगर आप सोशल मीडिया का कंटेंट देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह का वो इतना रेडिकल कॉन्टेंट भी आ रहा है, इतना बाउंड्री पुशिंग कॉन्टेंट आ रहा है, इतना फेमिनिस्ट कॉन्टेंट आ रहा है बीच में। और तो मुझे ये लगता है कि जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है यही बात है कि वो एक कंफर्ट जोन में और वो एक मेल डोमिनेटेड पैराडाइम के अंदर रहते हैं,
जहाँ पर वो बहाने ये बनाते हैं कि कोई देखना नहीं चाहता ये चीज़ें, लेकिन असल बात ये है कि वो खुद इस पैराडाइम से नहीं निकलना चाहते, वो ये शिफ्ट नहीं लाना चाहते, वो खुद चेंज मेकर्स नहीं बनना चाहते एज फार एज वुमेन्स रोल इज़ कंसर्न्ड। सो आई थिंक हमें बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठाना चाहिए और ऐसी खवातीन, ऐसे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स जो आउट ऑफ द बॉक्स रोल्स कर रहे हैं, जो फीमेल सेंट्रिक ड्रामास और मूवीज कर रहे हैं, हमें उनको बहुत प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज उनसे हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, शायद हमें उस कॉन्टेंट वो हमें पूरी तरह पसंद ना आए, लेकिन अगर कुछ नया है इट्स ऑलवेज वेलकम। यू नो क्वालिटी अगर उसकी बुरी भी है अभी तो कोई बात नहीं, इट्स ऑलवेज वेलकम, क्योंकि इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके बनेगा। एंड आई श्योर यू, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि ऑडियंस इसके लिए है। बिल्कुल। अच्छा, जब हम ऑडियंस की बात करते हैं तो नॉर्मली समटाइम ये भी कहा जाता है कि जी अगर एक ड्रामा बना है या एक मखसूस चीज बनी है तो ये बड़े क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इलीट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और ये आम औरत के या आम इशू को नहीं। और ये सवाल हर जगह उठाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मुल्क की कुछ खवातीन निकल के खवातीन की इश्यूज पे भी बात करेंगे तो लोग कहेंगे ये वो बड़ी क्लास की खवातीन है, ये आम खवातीन नहीं है। हालांकि मैं समझती हूँ कि जो लोग कम हो ज्यादा हो, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करते हो, चाहे वो बड़े क्लास के हो, छोटे क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, या वो पढ़ी लिखी खवातीन हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, सबकी इश्यूज आने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जी आप हमेशा जो है आप जो रिमोट एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, ये पे करें, और आप क्योंकि आप वैरायटी, आपने शुरू में बात की बड़ी खूबसूरती डाइवर्सिटी की, आपने बात की डाइवर्सिटी जो है उसके रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, कंटेंट आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर चीज मैं सिर्फ एक ही तबके की नुमाइंदगी हो। और जब मैं इसकी बात मैं करती हूँ तो मुझे भी ये लगता है, आपकी बातों से भी ये अंदाजा हुआ है कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है इसमें शायद शिफ्ट इसलिए ज्यादा नहीं आ रहा है कि खवातीन के हवाले से कि अभी भी बहुत मेल डोमिनेटेड है, कि बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट है दे आर ओन बाय, दे आर रन बाय जो हमारे रेनाउंड मर्द हैं, उन शोबों में खवातीन अभी उसमें बहुत कम आ रही हैं और वो ले भी रही है। अभी माजी में कुछ ऐसे ड्रामे बने हैं कि जिन्होंने उन इश्यूज को टच किया है कि जिन पे नॉर्मली हमारे यहाँ बात भी नहीं होती, जिसमें जिनसी हरासानी है, जिनसी जाति के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से है। लेकिन आज भी ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी भी बहुत सारे ड्रामे अगर आप जो करेंटली चल रहे हैं उसको आप देखेंगे तो उसमें अगर नंद है, बीवी है, जो भी है, तो वो उसके जो रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं, हालांकि सोसाइटी में फिर वो एक और है, तो उसमें लगा वो जो बताया ही जा रहा है कि ये औरत बहुत ज्यादा एक वो है बुरी, मतलब इसको जहां भी मौका मिलेगा ये बुरा ही काम करेगी। लेकिन अभी नायाब, अभी पिछले दिनों एक डिस्कशन बहुत चल रही है, चुड़ैल के नाम से एक सीरीज आई है, उसका मैं नाम इसलिए लूंगी कि उस पर बहस बड़ी ओपन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रही है। अब ये भी एक तरह से डिफरेंट चीज आ गई। मेरा अपना जाती थोड़ा सा ये है कि हमारे जो फिक्शनल रोल्स होते हैं, जो अफसानवी किरदार होते हैं, वो मर्दों के जब भी आते हैं तो लोग इतना क्रिटिसाइज नहीं करते, लोग उसको मतलब या इग्नोर कर देते हैं या इतना नहीं। मैं कहती हूँ कि अगर ख्वातीन की तरफ से कोई ऐसी चीज आती है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं भी करती, वो फिक्शनल होती है, अफसानवी होती है, लेकिन अगर वो आती है तो क्या ये यहाँ पे नहीं आप देख रहे हैं कि इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है? क्योंकि फिर मैं कहती हूँ कि अभी हमारे पास इतनी वैरायटी है नहीं कि हम इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करें कि जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा, अपनी जगह उस पर सबके ख्याल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन एक चीज को हम इतना क्रिटिसाइज कर दें कि फिर कोई दूसरा जरूरत ही ना करे। क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये मोनोपोली जो है मेनस्ट्रीम मीडिया की, इसी तरीके से थोड़ी सी कम हो सकती है, शेयर की जा सकती है जब ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आएंगे, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें यंग और ख्वातीन अपना करियर बना सकती है। क्योंकि वो जो दूसरा मेनस्ट्रीम है वहां पे तो उनके पास ना इतने भी फाइनेंसेस है, ना इतना इनके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि वहां पे जाएं। तो ये जो चीज, ये जो सामने आई है, अब वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं। आपका इस सीरीज के बारे में क्या ख्याल है जो चल रही है आजकल? दो तीन में बातें करूंगी। पहली बात, मैंने शुरू में भी ये की थी कि असल मामला जो है वो डाइवर्सिटी का है, यानी कि मैं ये समझती हूँ कि पहली बात तो ये है कि देखें, जब भी विमेंस राइट्स की बात होती है तो वो उसको अटैक करने के लिए, जैसे आपने कहा, या तो ये कहा जाता है ये प्रिविलेज खवातीन हैं, इनको क्या पता, ये अपने पैसे कमाने के लिए ऐसे करें। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम
ओवर दिस क्रिटिसिज्म नाउ, बिकॉज ये होना ही होना है, ठीक है ना। इस पे मैं जाती तौर पे भी इतनी दफ़ा आंसर कर चुकी हूँ जी, मैंने तो कभी ये छुपाया ही नहीं कि हाँ जी मैं प्रिविलेज्ड हूँ, अर्बन हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी अंडर प्रिविलेज खवातीन के पास एक आवाज़ नहीं है, तो अगर हम उनके बिहाफ पे भी आवाज़ उठा रहे हैं, कोशिश यही होती है कि उनको खुद भी इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको खुद भी आवाज़ दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो खुद आवाज़ नहीं उठा पा रही, तो अगर हम उठा रहे हैं तो बिल्कुल इसको इनकरेज किया जाना। तब ये वही लोग हैं जो हमेशा से कहते आ रहे हैं, ये ज़िया के एरा में वैफ के बारे में भी यही कहा जाता था कि इलीट आंटीज़ हैं एक्सेट्रा। और देखिए, हमें क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए जो जेन्यून वाला होता है, कि येस क्लास रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने तो शुरू में ही क्लैरिफाई कर दिया था कि हर तरह की ख्वातीन को दिखाना चाहिए, और इसमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए अंडर रिप्रेजेंटेड ख्वातीन को, गरीब तबके की ख्वातीन को, माइनॉरिटी ख्वातीन को, इस तरह की ख्वातीन को। अच्छा, अब आ जाते हैं हम के ज़्यादा हमेशा आउटरीच तब क्यों होता है जब ख्वातीन को किसी आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर में दिखाया जाता है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, हमारे हर दूसरे ड्रामे के अंदर मर्दों को दिखाया जाता है स्मोकिंग करते हुए, कोई मॉरल आउटरेज नहीं होता उसके ऊपर। मैं यहाँ पे कोई स्मोकिंग का एंडोर्समेंट या कोई ऐड नहीं हूँ, एक बुरी आदत है जो किसी को भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मर्दों को हमेशा दिखाया जाता है। मैं इस वक्त 10 ड्रामों के नाम ले लेती हूँ जहाँ पर वो सिगरेट पी रहे होते हैं, कोई सड़कों पर नहीं आता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब चुड़ैल्स का पहला ट्रेलर आया तब भी लोगों को ये प्रॉब्लम था कि ये सिगरेट पीती हुई खवातीन, ये ऐसी खवातीन, ये फलानी खवातीन। अच्छा, अब आप देखिए हमारा मोरालिटी का कॉन्सेप्ट और गैरत और बेगैरती का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रेंज है। थोड़े से इसमें मैं स्पॉयलर्स दूंगी जिन लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, कोशिश करूँगी कि इतना उनके लिए ख़राब ना करूँ। लेकिन दो चीज़ें, पहली चीज़ ये कि उन्होंने क्लास का बड़ा बैलेंस रखने की कोशिश की है, तो दो ख़वातीन ऐसी हैं जो अपर क्लास से हैं और दो ख़वातीन ऐसी हैं जो गरीब तबके से हैं। चारों की चारों ख़वातीन रिगार्डलेस ऑफ देयर क्लास बहुत आउटस्पोकन हैं, बहुत ब्रेव हैं, बहुत मजबूत हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निचले तबके की ख़वातीन को जब दिखाया भी जाता है तो अमूमन बड़ी डरपोक और बड़ी सहमे हुए तरीके से दिखाया जाता है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। यानी हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम सतही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इन्होंने पहना क्या हुआ था, ये सिगरेट क्यों पी रही थी, और जो उसका ओवरऑल मैसेज और जो मवाद है। आई डू अग्री कि चुड़ैल्स रेडिकल है, ठीक है, और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि ये एक ऑनलाइन सीरीज है, तो इससे हमारे मॉरल पुलिस और सेंसर बोर्ड और ये सारे कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। तो लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि जब गुर्बत दिखाई है तो इतने रियलिस्टिक, इतने पेनफुल तरीके से गुर्बत को दिखाया गया है। उसमें एक सीन है जहाँ चूड़ियों की फैक्ट्रीज जो होती हैं सदर्न पंजाब के अंदर, वो दिखाई गई हैं और उनकी रियलिटी दिखाई है कि किस तरह खवातीन के हाथ जलते हैं जब वो चूड़ियाँ बना रही होती हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमारे गैरतमंद मेन स्ट्रीम ड्रामों के अंदर क्या कभी ये दिखाई जाती है इस तरह की रियलिटीज? उनके लिए गैरत और उनके लिए अच्छा मवाद वही है जो बस खातून को इसी तरह एक अर्बन मिडिल क्लास बॉक्स के अंदर रखे, जो कि बस घरेलू मसाइल है। तो आई थिंक यू हैव टू फोकस ऑन दी एंटायर मैसेज, दी एंटायर कॉन्टेंट, जिसके अंदर बहुत ही ब्रेव खवातीन दिखाई, जिसके अंदर स्ट्रक्चरली। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए चुड़ैल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, अमूमन जब मर्दों को दिखाया जाता है तो हमेशा ये दिखाया जाता है कि जो निचले तबके के मर्द हैं वो हमारे एनिमीज हैं, और जो सो कॉल्ड लिबरल तबके के मर्द हैं, पावरफुल मर्द हैं, वो बड़े ओपन माइंडेड हैं एंड ऑल दैट। इस ड्रामे ने उस चीज़ को अपसाइड डाउन कर दिया है और ये दिखाया है कि जो ताकतवर मर्द हैं, जो बड़े ऑन द फेस ऑफ इट बड़े एम्पावर्ड और बड़े इंटेलेक्चुअल लगते हैं, वो अंदर से किस तरह से उनके ख्यालात उसी तरह के हैं। बीवियाँ चाहते हैं तो ऐसी चाहते हैं जो सबड्यूड हों, औरतें चाहते हैं तो चाहे वो खूबसूरत हों उनके लिए तैयार हों, लेकिन फिर उनको दो मिनट में छोड़ देते हैं अगर वो वेट गेन कर लें या वो परफेक्ट ना रहें। और वर्किंग क्लास ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए हैं इतने ज़बरदस्त मर्दों के, जो एलाइज हैं ख़वातीन के, जो चाहते हैं, जो उनके साथ उनके मिशन के अंदर उनका साथ दे रहे हैं।
तो ओवरऑल आई मीन आई थॉट इट वॉज ब्रिलियंट. जाहिर है हम क्रिटिक कर सकते हैं, हमें हक है, मैंने भी बड़े क्रिटिसिज्म दिए हैं, लेकिन आखिरी में इस चीज़ से बात ही करूंगी कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन कॉन्टेंट. जब ऑनलाइन कॉन्टेंट पूरी दुनिया में आया है तो उसने क्यों मीडिया को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया, क्योंकि इंडिया को अगर आप देखें, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड था और उसके बाद आया नेटफ्लिक्स का कंटेंट. नेटफ्लिक्स का कंटेंट हमेशा ज्यादा रेडिकल, ज्यादा बाउंड्री पुशिंग, उसमें बहुत सारी ऐसी रियलिटीज दिखाई, कड़वी रियलिटीज दिखाते हैं, उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उसमें कम ऑब्जेक्टिफिकेशन है खवातीन की. ऑनलाइन अब जब दुनिया के अंदर ये ट्रेंड शुरू हो गया ना, आप इसको रोक नहीं सकते. और उसकी ब्यूटी ये है, हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी इस कंटेंट की, क्योंकि ये कंटेंट हमारी रेगुलर सेंसरशिप और इन चीज़ों से नहीं रिस्ट्रिक्ट होगा. आपको इससे प्रॉब्लम है, आप तनकीद करें या आप ना देखें, आप रोक नहीं सकते इसको. सो अब बर्दाश्त बढ़ाने का वक्त आ गया है, और जैसे जैसे ऑनलाइन कॉन्टेंट बढ़ेगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगी, हर तरह का कंटेंट आएगा, रेडिकल भी आएगा, कंजर्वेटिव भी आएगा, सेंट्रिस्ट भी आएगा, हर तरह की औरतें होंगी उसमें, आपको अनकंफर्टेबल भी करेगा वो. लेकिन बड़ी अच्छी बात है, एक वक्त आ चुका है कि हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करना चाहिए लोगों को अब तो. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, आप तनकीद करें, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम लोगों को जाके सड़कों पर एहतजाज करें या पथराव करें कि खवातीन जो हैं वो सिगरेट क्यों पी रही थी या ऐसी बातें क्यों कर रही थी. बिल्कुल नायाब जी, आपने जो अहम बात की वो यही है कि हम ये जो डबल स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं कि जब आप या तो ओवरऑल एक मॉरल्स का अब एक रखें कि दिखाएंगे ही नहीं, क्यों जैसे आपने बात की कि बहुत ड्रामों में मर्द को स्मोक करते हुए दिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, उस पर छोटा सा डिस्क्लेमर होता है. लेकिन अगर औरत करती है तो फिर, और हम अब उसमें ये भी है कि हम अब लोग कहेंगे कि ये बात आप लोग क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि खवातीन का ये रोल सोसाइटी में एक्सेप्टेड हो कि इस तरह, लेकिन अगर ग्राउंड पे कुछ चीजें हैं तो उसको एज इट इज समटाइम लाना भी एक ईमानदारी है और एक रोल है जो आपकी जिम्मेदारी है जिसको आपने करना है. और जिस तरह डाइवर्सिटी की बात की तो मैं ये कह रही कि मुझे खुद, मैंने इसकी कुछ किस्तें देखी थी तो मुझे खुद ये था कि मुझे कुछ थोड़ा सा ये क्रिटिसिज्म ज्यादा लग रहा था कि इस चीज को, क्योंकि ख्वातीन को शायद ज्यादा वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे लगा कि क्रिटिसिज्म इसलिए भी की जा रही है कि शायद इस तरह की चीजें ना हों और हम वही पुराने जो ड्रामे हमारे दिखाया जाता है हम उसी पे तकिया करें और वही हमारी चीजें चलती रहे. तो लेकिन उम्मीद हमारी ये है कि नायाब ने पहले भी बड़ी बात की कि, और जिसपे मेरा भी एक यकीन है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की हर औरत, जिसकी जो भी उम्र हो, जो भी तालीम हो, वो जहां भी रहती हो, उसका जो भी मसला है, हम चाहते हैं वो खुद खड़ी हो के उस पर बात करे. यही हमारा विजन है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा ख्वाब है कि हर खातून के पास वो ये एतमाद भी हो, ये हौसला भी हो और वो खड़े, और वो होता भी है, लेकिन हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि खवातीन बोल नहीं पाती हैं. वरना हम कभी भी ये नहीं कहते कि खवातीन के हकूक की बात मैंने ही हमेशा करनी है, या नायाब ये कहेगी कि मैंने ही हमेशा करनी है. हम ये कहते हैं कि हम अपना रोल ज़रूर प्ले करेंगे, हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि अगर हमें थोड़ा बहुत मौका मिला है तो हम ये अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं, और दूसरा ये कि हम खुद खवातीन भी इन चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से गुजरती हैं, हम इस पर बात करती हैं. सो जो खवातीन जहाँ पे हैं हम चाहते हैं वो भी बात करें, और जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इससे शिफ्ट ये आता है कि उनको हौसला मिलता है. पहले बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती थी, अब ये था कि अब जब सोशल मीडिया का दौर है और जब इस तरह के बहस मुबाहिसे होते हैं, जिस तरह आज हम ये कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, और करने का मकसद भी यही है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो नायाब सोच रही है, जो मीडिया पाकिस्तान में इस वक्त, या सिर्फ पाकिस्तान का ये मसला नहीं है, मैं समझती हूँ ये बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों का भी मसला है कि जो औरत का एक इमेज, जो ओवरऑल एक इमेज क्रिएट किया जा रहा होता है या जो किया जा चुका है आज तक, तो इस पे बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन शायद किसी के पास प्लेटफॉर्म ना हो या कोई इस हवाले पे बोलना जो है वो अभी शायद कुछ रुकावटें उनके लिए हो. तो वो दिन आपको सॉरी टोक रही हूँ, मुझे फिर शायद भूल जाए बात में, एक बात बीच में करना चाहूंगी. मुझे आज ही पता लगा कि एक खातून है, मेरा ख्याल है केपी के या साउथ पंजाब के किसी विलेज से, जो एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चलाती हैं, उनके 1,75,000 फॉलोअर्स हैं,
और वो मिडल एज है और वो अपनी जिंदगी दिखाती है वहां गांव गांव के अंदर। वो क्या करी, ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आवाज मिल जाए खवातीन को कहीं भी बैठे हुए तो बहुत चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू नायाब ये मेंशन करने का। और यही जो हम कह रहे हैं कि अभी जो शिफ्ट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि अब ये जो एक्सेसिबल सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे पैसे भी बहुत पहले लगते नहीं, और लगते भी हैं तो बहुत कम लगते हैं, और पूरी दुनिया आपको सुन सकती है। सो इसी में वो जो हमने थोड़ा सा बात की कि जो जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, या तो वो अपने आप को बदले, और अगर वो नहीं बिल्कुल बदलता तो जो खवातीन और लड़कियां हैं वो, उन्होंने भी एक दो कदम लेके इस सफर का आगाज करना होगा, अपने 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 हिस्से का काम करना होगा, तभी ये तब्दीली आएगी। जहां तक क्रिटिसिज्म की बात है तो क्रिटिसिज्म होगा, समटाइम क्रिटिसिज्म अच्छा भी होता है, उससे हम में बेहतरी आती है, लेकिन ये है कि हम ये कहते हैं कि जब आप क्रिटिसिज्म करें तो आप क्रिटिसिज्म में थोड़े से अखलाकियात का और इन चीजों का दायरा आप रखें, क्योंकि जो खवातीन निकल के आ जाती हैं उनके लिए फिर ये भी मुश्किल होता है कि उनको इस पे मजबूर कर दिया जाता है कि वो वापस चली जाती हैं। तो थोड़ा सा ये बिल्कुल भी हमारे इशू है, सोशल मीडिया पे खातिन को तंग बहुत किया जाता है। खैर, चीजें इंशाल्लाह बेहतर होती जाएंगी, क्योंकि नायाब है, मैं हूँ, बहुत सारी और खवातीन हैं। आपने अभी खातून की मिसाल दी, इस तरह बहुत सारी खवातीन हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल चलाती हैं, खाना बनाना बनाती है, वो मुख्तलिफ चीजें सिखाती है। बहुत सारी खवातीन ये है कि वो अपना ओपिनियन, सबसे अहम बात ये कि सिर्फ ये नहीं कि हम आके यूट्यूब चैनल पे खाना बनाना लोगों को सिखाएं, हमारा ओपिनियन भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है कि जब हम अपना ओपिनियन लोगों को बताती हैं। तो हम कहते हैं कि जी बिल्कुल, लोगों में एक्सेप्टेंस किसी हद तक है, लेकिन ये कि औरतों को आगे आना चाहिए, लड़कियों को आगे आना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। नायाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ ये जो गुफ्तगू रही, बड़ी हमने एक इनफॉर्मल सी गुफ्तगू की, मकसद यही था कि इस इशू पे एक दरवाजा खोला जाए, एक बहस का माहौल क्रिएट किया जाए। तो इनशाला आपके साथ इस चीज पे, इस मौजू पे मजीद मुस्तकबिल में भी बातचीत होती रहेगी। आखिर में आप कुछ अगर कहना चाहें तो हमारी ऑडियंस के साथ आप शेयर कर सकते हैं, वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के थ्रू। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी लास्ट नोट पर कि ये जो जद्दोजहद है खवातीन के हकूक के लिए बहुत लंबी है, बहुत मुश्किल भी है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें हम सबका फायदा है। और आई थिंक अब वो वक्त आ चुका है कि चुप रहना एक ऑप्शन नहीं है। तो अपनी कैपेसिटी में जितना भी आप लोग बोल सकते हैं, जितना भी आप लोग कर सकते हैं वो जरूर करें, बिकॉज अब तो मतलब चुप रहना इज नॉट एन ऑप्शन। थैंक यू नायाब फॉर योर वेरी गुड मैसेज एंड में, और अप्रिशिएट करने का। सही बात है कि हम एक दूसरे का हौसला बनेंगे तो इनशाला हमारा जो सफर है ये आसान भी होगा और इसमें कामयाबियां भी मिलेंगी। हमारे साथ जितने हमारे दोस्त ऑनलाइन थे जो हमें देख रहे थे, जिन्होंने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया है, अपने कमेंट्स भी शेयर किए हैं, उन्होंने एग्री भी किया है कि एक तो ये मौजू भी बहुत अहम है, और सबने ये भी कहा है कि अगर दुनिया बदल रही है, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स बदल रहे हैं, तो ये है कि हमारी मीडिया को भी अपने आप को थोड़ा सा बदलना चाहिए। और हम जब बदलने का बात करते हैं तो हम कहते हैं आगाज शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे। इमेज पे भी नायाब ने बात की कि हम कोई परमानेंट इमेज किसी भी चीज़ का नहीं बनता, इंसानों का तो फिर कभी भी नहीं बन सकता, लेकिन हम कहते हैं कि जो रियलिटी हो तो ठीक है, हम ड्रामों चीजों में तो रियलिटी से थोड़ा सा हटकर चीज दिखाई जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका रियलिटी के साथ कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन में हमारी सोसाइटी में, हमारी वैल्यूज का, हमारे अकदार का, बहुत सारी चीजों की बुनियाद इन चीजों पे बनती है। तो इसी मैसेज के साथ मैं अपने जो हमारे छत दोस्त ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, नायाब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और इंशाल्लाह हम इस तरह के बहुत सारे मजीद बेहतर कन्वर्सेशन जो है वो लेके आते रहेंगे, और अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और उम्मीद ये है कि जो हमने आज डिस्कस किया है, बहुत सारे इसमें वे फॉरवर्ड है, बहुत सारे इसमें टेक अवेज हैं कि जो उसे सीखना चाहता है, जो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता है, आइडियाज इससे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच नायाब, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।